bismillahir rahmanir rahim dear students you are watching educational channel kmch i am khalid mahmood from kmch physics academy our subject is physics of class 10th we are solving its problems today we have to solve problem number 18.7 of unit number 18 unit number 18 is atomic and nuclear physics let us see the statement of problem number 18.7 a सैम्पल ऑफ certain radioactive element एलिमेंट हैज़ half हाफ़ लाइफ ऑफ years हंड्रेड हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी हाफ़ लाइफ जो है 1500 हंड्रेड ईयरस है इफ़ इट हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ थर्टी टू थाउजेंड काउंट्स पर आर एट द प्रजेंट टाइम कि अगर वो किसी ख़ास मौजूद टाइम पे उसका काउंट रेट हमने नोट किया तो बत्तीस हजार काउंट्स पर आर था

हो जाए तब तक हमने उसको ग्राफ ड्रा करना है कि कब वो एक बटा सोलह रह जाएगी ओरिजिनल का तो ये हमारा टास्क है हम ग्राफ ड्रा करते हैं ग्राफ ड्रा करने के लिए हम अलोंग एक्स एक्सिस हाफ लाइफ्स ले लेते हैं ये हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है यहाँ से हमने आगाज़ किया हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर काउंटरेड पार आर दिया गया है और काउंट रेट पर आर हमने यहाँ से आगाज़ किया यानी जीरो टाइम से वो बत्तीस हजार काउंट पर आर था फिर उसकी एक हाफ़ लाइफ गुजर गई तो वो सिक्सटीन थाउजेंड रह जाएगा बत्तीस का यानी हाफ़ हो जाएगा वन ओवर टू हो जाएगा फिर उसकी दो हाफ़ लाइफ गुजर गई तो वहाँ पे जाके वो एट थाउजेंड काउंट रेट पर आर रह जाएगा यानी वन ओवर फोरथ हो जाएगा फिर उसकी तीन हाफ लाइफ गुजर गई तीन हाफ लाइफ्स के बाद वो फोर थाउजेंड रह जाएगा यानी एट थाउजेंड का भी हाफ़ हो जाएगा तो वन ओवर एट्थ रह जाएगा और फिर चौथी हाफ लाइफ के बाद वो टू थाउजेंड हो जाएगा यानी फोर थाउजेंड का भी हाफ हो जाएगा यानी वन ओवर सिक्सटीनथ रह जाएगा तो इस तरह से हमने इधर y एक्सेस की तरफ हमने काउंटरेड लिया है यहाँ पे हमने ज़ीरो रखा और ये एक डिवीजन जो है इसको हमने एट थाउजेंड रखा हुआ है यहाँ पे एट थाउजेंड हो गया फिर यहाँ पे सिक्सटीन थाउजेंड हो गया यहाँ पे ट्वेंटी फोर थाउजेंड हो गया और यहाँ पे थर्टी टू थाउजेंड हो गया तो यहाँ पे हमने हाफ लाइफ्स ली हैं यहाँ पे एक हाफ़ लाइफ हो गई एक हाफ लाइफ के बाद वो हाफ रह जाएगा यानी बत्तीस हजार का हाफ हो के सोलह हजार रह जाएगा और यहाँ पे दूसरी हाफ लाइफ गुजर गई दूसरी हाफ़ लाइफ के बाद वो सोलह हजार का भी हाफ हो जाएगा यानी एट थाउजेंड रह जाएगा फिर तीसरी हाफ़ लाइफ गुजर गई तीसरी हाफ लाइफ के बाद वो आठ हज़ार का भी हाफ हो जाएगा यानी चार हजार रह जाएगा और चौथी हाफ लाइफ के बाद वो चार हज़ार का भी हाफ़ हो जाएगा यानी दो हज़ार रह जाएगा तो यहाँ पे वो वन ओवर टू हुआ यहाँ पे वो वन ओवर फोर हो गया यहाँ पे वन ओवर एट हो गया और चौथी हाफ लाइफ के बाद वो वन ओवर सिक्सटीन हो जाएगा तो इस तरह से हमने ये ग्राफ शो कर दिया कि किस तरह से वो बत्तीस हजार से कम होते होते वन ओवर सिक्सटीन ऑफ थर्टी टू थाउजेंड यानि टू थाउजेंड रह गया तो ये ग्राफ हमने शो कर दिया है। अब इसमें हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट वो हमें दी गई थी पंद्रह हजार पंद्रह साल फिफ्टीन हंड्रेड ईयर्स और इनिशियल काउंटरेट हमें दिया गया था थर्टी टू थाउजेंड पार आर और फाइनल काउंट रेट वन ओवर सिक्सटीन ऑफ थर्टी टू थाउजेंड पार आर इसको थाउजेंड करना है ये थ ऑफ थर्टी टू थाउजेंड पर आर तो ये सिक्सटीन तो से इसको डिवाइड करेंगे तो ये टू थाउजेंड पर आर रह जाएगा यानी फाइनल काउंट रेट उसका जो है जब वो एक बटा सोलह रह जाएगा बत्तीस हजार का तो कितना काउंट रेट होना है टू थाउजेंड पर आर होना है फ्रॉम ग्राफ टू थाउजेंड काउंट पर आर विल बिकम आफ्टर फोर हाफ लाइफ्स यानी चार हाफ लाइफ्स के बाद वो दो हजार काउंट पर आर होता है तो टोटल टाइम कितना गुजरेगा उसको ये हमने बताना है टी इज़ इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ हाफ़ लाइफ्स इन टू हाफ़ लाइफ नंबर ऑफ हाफ़ लाइफ्स इसको हम टी रखते हैं स्मॉल लेटर टी और हाफ़ लाइफ को हम टी वन ओवर टू रखते हैं तो हाफ लाइफ्स कितनी चार गुजरी हाफ़ लाइफ कितनी थी पंद्रह सौ साल तो पंद्रह सौ को चार से ज़रब देंगे तो कितना बनता है छः हज़ार साल तो इसका मतलब ये कि छ हज़ार साल बाद वो काउंट रेट जो है वो वन ओवर सिक्सटीन हो जाएगा तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी खुद भी देखें दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि के एम सी एच फिजिक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ शाद रहें a bat